आ गए तुम लोग? मैं यहाँ आई थी? हाँ, ये देख के गई थी कि हमारे घर में फालतू सामान रखने की जगह नहीं है। सुनी, ऐसी क्या बात होगी कि माही तुम्हारे बारे में बड़ी बुरी बुरी बातें बोल रही थी? तुम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ क्या? कह रही थी कि सोनी को हमारे यहाँ आकर दोस्त जमाने की जरूरत नहीं है, अगर आना है तो इज्जत से आए, अच्छी बात करे, वरना वो अपने घर में खुश और हम अपने घर में खुश। ऐसी क्या बात हो गई बेटा? माही ने ऐसा कहा? अरे मैं तो समझती थी दोनों बहनों में राम और भरत सब प्यार है। जय हिंद दरोगा भाई साहब। ओए जय हिंद जय हिंद। ओए सुखी, तू इधर क्या कर रहा है? ओ तुसी भी कमाल दा सवाल करते हो जी। जी आपके हवलदार ने खुद मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है, और आप कहते हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और जी बंद करके रखा है हमारी माता श्री को। मैं पूछता हूँ किस जुर्म में? ओए कमड़ा हो गया है क्या है? इधर किधर है तेरी माता श्री? जी वो रही जी मेरी माता श्री। वो बिगारन और तेरी माता श्री है? ओ दरोगा साहब वो बेकारन नहीं है, सिर्फ माता श्री है। ये बात है, फिर तो तेरे को जमानत देनी पड़ेगी उसे छुड़ाने के लिए, समझा? जमानत ही तो देनी है ना। दे देंगे दे देंगे। और जी उसके पहले ना, जी उसके पहले आपकी चमेली के बारे में बात कर लूं। वो क्या है? चमेली को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपके पूरे खानदान को भी मैं पर्सनली जानता हूँ जी। अब सोचो ये दोनों संसार कभी आमने सामने आ गए तो फिर क्या होगा जी? ओए ब्लैकमेल करता है, हैं? वो भी एक पुलिस वाले को? जी पुलिस वाला इंसान नहीं होता क्या? जी मेरे हिसाब से तो जिसकी बीवी आपकी बीवी की तरह, बीवी कम हिटलर ज्यादा हो, वो एक चमेली तो माफ है जी। सुखी तू बातें बहुत बनाता है यार। ओ दरोगा साहब मैनू और की आंदा है, बातों की तो खाता हूँ मैं। अच्छा फिर मेरे से एक वादा कर, मेरी बीवी को ना तू कुछ भी नहीं बताएगा उस चमेली के बारे में। ओ ना जी ना, ऐसा थोड़ी करना मैंने। ओ जी तुहाडे घर कलेश थोड़ी पाऊंगा मैं, बस मेरा एक छोटा सा काम है जी। मेरी माता श्री है ना, जाने दो ना उसे। ठीक है ठीक है। ओ हवलदार जाने दे इसकी माता श्री के, इसके साथ ले जाने दे। जा। चलो जी माते घर चले असी। ओ थैंक यू है जी। मैं आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? मुझे एहसान दी गल छड्डो, ए दसो तुसी इत्थे पहुंचे के? जे लोगों के पैरों पे कुलाड़ी पड़ती है समझ में आता है। एक आप हो जो बार बार कुलाड़ी पे ही पैर दे मारते हो, जब देखो गलत छलत जगह पहुंच जाते हो जी। अगर आज मेरा फोन नंबर आपके पास नहीं होता तो क्या होता जी? रोज मैंने आपको एड्रेस दिया था, वहां क्यों नहीं गए आप? पता नहीं जी आपकी प्रॉब्लम क्या है, मेरी मदद आप लेना नहीं चाहते लेकिन लेते भी हो। जी ऊपर वाला है ना आपको मजबूर कर देता मेरी मदद लेने पे। ओ माते अब तो समझ जाओ आपका और हमारा कोई पुराना रिश्ता जरूर है, और जिस जन्म का नासिब पिछले जन्म का होगा। मैंने जो एड्रेस दिया है उसे चले जाओ ना जी, काम भी मिल जाएगा, रहने का ठिकाना भी मिल जाएगा। और ये बात मैं आपसे हाथ जोड़ के इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे दिल में ना एक कांटा है, जब तक आपको सही जगह नहीं पहुंचा दूं मेरा एक भी काम नहीं होना। और जी एक भी तो अपने खातिर ना सही, मेरे खातिर तो वहां चले जाओ प्लीज।
हो पुत्र आराम नाल की करे पुत्र तू रो रही है क्या हुआ आए अपने ताई को नहीं बताएगी तू तो सोने की आ गई थी ना वहां कुछ हुआ अरे बोल तो पुत्र माही पुत्र सुनते सही हाय रब्बा कहीं सोनी के घर में कुछ बहुत हो गया माही का बचपने की भी कोई हद होती है जो कहना था मुझसे कहती बुआ जी से ये सब कहने का क्या मतलब था हेलो हेलो ताई जी सोनी पुत्र जिंदी रहे मैं भी तुझे फोन मिलाने ही वाली थी पुत्र एक गल पूछनी सी वहां सब ठीक है ना सोनी पुत्र वहां सब ठीक तो है ना नहीं ताई जी आज पता नहीं माही ने बुआ जी से क्या कहा आप तो माही का गुस्सा जानते हो ना कुछ भी कह देती है जरा जरा माही को फोन देना प्लीज हाँ हाँ एक मिनट होल्ड कर पुत्र माही पुत्र ये सोनी का फोन है पुत्र सोनी का फोन है बहुत परेशान लग रही पुत्र कह रही थी उसके घर में सबको बहुत बुरा लगा है तूने दीदी जी को बहुत कुछ सुनाया मैंने उन्हें कुछ सुनाया या उन्होंने मुझे कुछ पुत्र वो तो जो सोनी ने मुझे बताया मैंने तुझे आकर कह दिया तू एक बार उससे बात तो कर ले मुझे उससे कोई बात नहीं कर और उसे कह देना मैं किसी को कोई सफाई नहीं देने वाली हेलो सोनी पुत्र सोनी पुत्र देखा सोनी ने फोन काट दिया माही भी ना एक तरफ कहती है कि उसकी गलतियों पर टोकना मेरा फर्ज है और जब मैं अपना फर्ज निभाती हूँ मेरे साथ ऐसा करती बाबूजी आओ जाओ बाबूजी ओ बीजी ओ घर पे कोई है कहाँ गए लगता कोई नहीं है चलो यहाँ से ओ ना जी रुको आप वो लोग घर पर ही होने बेशरम बेहया बेगैरत एहसान फरामोश माफ कर दूं तुझे माफ कर दूं हैं अपने मुंह के निवाले निकाल के खिलाए हमने तुझे और इतना बड़ा धोखा तूने हमें दिया हाँ आगे से गलती नहीं होगी बार जी मतलब तू क्या सोचता है मैं तुझे एक मौका और दूंगा मैंने दोबारा नहीं करूंगा दफा हो जा गलती होगी दार सुना नहीं तूने दोबारा नहीं करूंगा दफा हो जा मतलब मैं तेरे तक्के दे के बाहर कर दूंगा चल कमीना किसी थांदा मैं क्या सत श्रीकाल दार जी बढ़िया जी हाँ जिंदा रहे ताजी ऐसाड़ी माता श्री हैं जी जी तो अड्डा दे दार जी का ख्याल रखने वास्ते लाया हूँ जी जी बड़ी मेहनती और ईमानदार है जी आप थोड़ी मदद कर दो ना दार जी जी गरीब तो भला हो जाएगा दार जी थोड़ी सी थोड़ा सा
लस्सी लो जी, ले सुखी। थैंक यू जी। लस्सी लो जी तुसी। की होया दार जी? सुखी तू लस्सी पी और जा इनको लेके, हुन सानू कोई काम वाली दी लोड नहीं है, असी अपना काम खुद ही कर लेना है। कुछ तो लिहाज करो ना बाऊजी। सुना नहीं तूने? ओ पाई माफ कर सानू, असी बहुत धोखा खा चुके हैं, हुन आगे धोखा खांदी हिम्मत नहीं है साड़ी। जा जा तू यहां से। मैंने कहा ना जा। जी चलना बाबूजी। चलो माते। सुखी इधर आ। ये बीबी यहाँ काम कर सकती है। ओ जी। पर दे काम दी और इस दी गारंटी तेरी होगी। और अगर इसने हमारा भरोसा तोड़ा तो उसकी जिम्मेदारी भी तेरी होगी। ओ जी मेरी, जी मेरी। बस थैंक यू जी। ओ बाते क्या कहा था मैंने आपको, साढ़े दार जी है ना बिल्कुल नारियल है जी, ऊपर से सख्त ते अंदर से नरम। जे दुनिया दे धोखों ने ना उन्हें थोड़ा पत्थर दिल बना दिया, लेकिन नदियां भी तो पत्थरों से निकलती हैं माते। अब उन्होंने हाँ कर दी है, आप यहाँ रहो काम करो, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। अब बेबे इनको काम समझा देना है जी, मैं चलता हूँ जी। चंगा सत्काल। ख्याल रखना जी आपका। ना की है तुहाडा भाई बिल्लो? ओए तेरी मेहंदी का तो सारा सामान मैं ले आया हूं, और दसो। अरे वाह सारा सामान आ गया। हाँ। ये ठीक हो गया, पर ये मत सोचो कि तुसी सस्ते में छूट गए। एक और लिस्ट बनाई है, ये भी आप ही को लाना है। ओए बिल्लो ऐ ते ठीक है, लेकिन पहले खुराना साहब को फोन तो कर दो भी। वैसे भी गोद भराई की रस्म के लिए हमें खुद उन्हें बुलावा देना चाहिए था। वो तो आप ठीक कह रहे हो, पर फुर्सत कितने है। एक काम करती हूँ मैं ना, दुर्गा पैन जी को फोन करके न्योता दे देती हूँ, आप पहले ये काम करो, जाओ तुसी छेती करो। हेलो हेलो दीदी जी। ओ बिल्लो बिल्लो, ओ मैं तेरे को फोन करने वाली थी, अच्छा हुआ तूने फोन कर दिया। पता है आज क्या हुआ? इसलिए तो मैंने फोन किया है ये जानने के लिए कि आपने किया क्या है, क्योंकि जो कुछ आपने किया है उसका नतीजा तो मैं भुगत ही रही हूँ। अब आप बता ही दो कि आपने ऐसा किया क्या है। बताऊ मैंने क्या किया है दीदी जी? तुसी भी कमाल हो, मैं तो मान गई, आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। अच्छा दुर्गा बहन जी से बात करनी थी, आप उनको फोन दे दोगे? दुर्गा लस्सी आपकी। काला नमक पाया नहीं? हाँ हाँ डाल दिया मैंने। ले तेरा फोन। मेरा? हेलो हेलो दुर्गा बहन जी सत श्री अकाल। हाँ नमस्ते जी नमस्ते, कैसे हो आप? बस थोड़ी दुआ है। वो क्या है ना कि कल घर में माही की गोद भराई का फंक्शन रखा है, आप सबको आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे, हम सब आएंगे। वैसे तुसी बुरा ना मनाना, तुसी तो जानते हो इस घर में बस मैं और बस यही है काम करने के लिए, तो इतना सारा काम था कि बस खुद आकर आपके घर में ना न्योता नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, ये तो घर की बात है, अगर आप कहें तो मैं आ जाऊँ आपकी मदद करने के लिए। नहीं नहीं अब तो सारा काम करीब करीब पूरा हो ही चुका है। और हाँ आज शाम को भी घर में एक छोटी सी रस्म रखी है, वो मेहंदी की रस्म। मेहंदी की रस्म?
हाँ वो गोद भराई से पहले माही की मेहंदी भी खुलवानी है ना, पिछले 7 महीने से तो वो मेहंदी नहीं लगा पाई, आज ये रस्म पूरी हो जाएगी तो मेहंदी भी खुल जाएगी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा ये बताओ ये मेहंदी की रस्म करेगा कौन? वैसे बहन जी करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन रिवाज तो यही है कि मायके वालों की तरफ से कोई आकर ये शगुन करे। फिक्र मत करो, सोनी आ जाएगी माही की मेहंदी के लिए। हाँ हाँ वही तो, आज शाम को आप फंक्शन में आ रहे हो ना, और हाँ हो सके ना तो सोनी को थोड़ी देर पहले भेज देना। तो सोनी ही माही के हाथों में मेहंदी लगाकर शगुन करेगी, फिर उसके बाद बाकी सब लगा पाएंगे। अच्छा जी, कह दूंगी सोनी को, हम लोग कल आएंगे गोद भराई। बच्चे आ रहे हैं ना आज आपके पास? अच्छा जी। स्वाति मिट्टी, सोनी पुत्र, अभी अभी बिल्लू बहन जी का फोन आया था, उन्होंने कल माही की गोद भराई की रस्म के लिए बुलाया है पुत्र, और आज माही की ना मेहंदी खुलने वाली है पुत्र, और माही को सबसे पहले मेहंदी लगाने का शगुन तुझे करना है। तेरे मायके में तो कोई नहीं है पुत्र अभी, तो ये शगुन तुझे ही करना पड़ेगा ना, उसके बाद दूसरे लोगों से मेहंदी लगा सकते हैं। तू जा रही है ना पुत्र? क्या बात है पुत्र, तू अभी तक दीदी जी की बातों का बुरा मान के बैठी है? पुत्र तू जानती है ना कि दीदी जी कैसी है, राई का पहाड़ बनाती है। माही ने सिर्फ एक बात कही होगी उनसे, बाकी की 10 बातें उन्होंने अपने मन से लगाई होंगी पुत्र। तू एक काम कर, माही को फोन करके ना बात कर ले। मैंने फोन किया मम्मी जी, लेकिन लेकिन वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। तू बड़ी है ना, उसे फिर से एक बार फोन कर ले पुत्र। अच्छा ठीक है, नहीं फोन करना चाहती ना तो तू ना आज उसकी मेहंदी की रस्म है ना पुत्र, तू चली जा। देख आज उसकी गोद भराई है, कल तेरी गोद भराई भी तो होगी ना पुत्र, अगर इसी तरह एक दूसरे से उखड़े उखड़े रहोगे तो कैसे चलेगा? मायके के सारे फर्ज अब तुम दोनों को ही तो निभाने हैं ना पुत्र, और फिर देख ऐसे मौके बार बार नहीं आते पुत्र जो मुंह फुलाकर उन्हें यूं ही जाने दे। देख अगर आज तुम्हारी मम्मी जी यहाँ होती तो ऐसा ही कहती ना, तो जाएगी ना पुत्र? सोनी पुत्र देख वक्त पे पहुंच जाना उसकी मेहंदी की रस्म पे, जब तक तू नहीं जाएगी ना पुत्र वहां उसकी रस्म शुरू नहीं होगी, वक्त पे पहुंच जाना। रब जी, मेरी बेटियों के वास्ते मायका बनाने के लिए मैंने पहला कदम उठाया है, मुझे जल्दी कामयाबी दीजिए और मेरी बेटियों को हमेशा खुश रखिए, सुखी रखिए। कल माही की गोद भराई है, आज उसकी मेहंदी लगनी है, अगर मैं वहां होती तो सोनी और मैं दोनों मिलकर बड़ी प्यारी मेहंदी लगाते उसे, लेकिन सोनी को मेरी भी कमी पूरी करनी होगी, है ना रब जी? माई पुत्र आज बड़ा शुभ दिन है, आज खुश खुश रहना होता है पुत्र। आज के दिन यहाँ जितने बड़े आए हैं ना, जितने मेहमान आए हैं, उनसे अपने बच्चों के लिए दुआएं लेना, आशीर्वाद लेना, खुश रहना। चलो मैं कह रही हूँ बिल्लू बहन जी, हुन देनदार खड़ी है, मेहंदी दी शुरुआत कर दो। हाँ रस्म तो शुरू कर देंगे, पर आपको पता है
ये रस्म मायके वाले करते हैं, वो आते ही होंगे। ए लो जी, मतलब जिसने शुरुआत करनी है वो तो हाल तक आई नहीं और हम ऐवें ही आकर बैठे हैं। नहीं नहीं बहन जी, सॉरी हमारी वजह से आपका इतना वक्त बर्बाद हो गया, लेकिन रीत तो रीत होती है ना। अब जो रस्म मायके वाले करते हैं वो तो उन्हीं को करना है, हमसे जितना बन पड़ा हमने कर दिया। कोई नहीं, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, वो आते ही होंगे। आपने सोनी को बताया तो था ना कि उसी के हाथों से मेहंदी की रस्म होगी? हाँ हाँ, सबसे पहली बात ये बताई थी। वो आपको तो पता है कि मोनी बहन जी भी अभी यहाँ नहीं रहती, इस शहर में नहीं रहती अभी, और सोनी भी अभी तक आई नहीं है, उसका भी यही हाल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि की करिए। मेरा तो मेरी नूह, मेरी बच्ची माही पुत्र को देखकर रोना आ रहा है। कितनी उम्मीद भरी नजर से ये अपनी बहन का इंतजार कर रही है, अब तो मुझे डर लगने लगा है। पता नहीं वो लोग आएंगे भी या नहीं।